Welcome to BSAP Academy online classes. Dear student, in the previous video I was discussed about the general and features of general, steps of general, chronological order, dual aspect, जो भी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था. In this video I am going to discuss about the classifications of account. हम यहाँ पे अकाउंट का क्लासिफिकेशन, चूंकि जनरल इंट्री में मैंने बताया था कि उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एक सिंगल ट्रांजेक्शन है तो किसी में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मिनिमम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और मैक्सिमम अधिक भी हो सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में दो तरीके होते हैं. एक तो होता है हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है. दूसरा होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन. दो तरह से क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का करते हैं. तो जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसमें दिस इज द वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम जो पहले से हमारा चला आ रहा है वो हमारा ओल्ड अकाउंटिंग सिस्टम है. ठीक है, तो इसको इस तरह का अगर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है तो इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है. दो ग्रुप है, देखिए, एक अकाउंट्स है, एक पर्सनल होता है, एक इम्पर्सनल. एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में एक नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है. अब देखिए, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल में थ्री अकाउंट्स होते हैं, एक नेचुरल अकाउंट होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो नेचुरल अकाउंट मीन्स ऑल, नेचुरल मतलब हम और आप. ठीक है, अगर किसी पर्सन के नेम से अगर कोई अकाउंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल अकाउंट कहेंगे. नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हम और आप क्या है, नेचुरल है. ठीक है, तो हम और जैसे मेरा नाम है राजकुमार है, तो अगर राजकुमार के नाम से कोई अकाउंट बनता है तो वो क्या होगा, नेचुरल अकाउंट है. ठीक है, आपका नाम आकाश है तो आकाश के नाम से अगर कोई अकाउंट बनता है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा. अगर वहीं पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे या कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन के नाम से अगर कोई अकाउंट बनता है तो वो होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. लाइक जैसे बीसेप एकेडमी है, तो बीसेप एकेडमी के नाम से जो अकाउंट बनेगा वो क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा. ठीक है, ऐसे फैशन पॉइंट है, फैशन पॉइंट के नाम से अकाउंट बनेगा तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो, लाइक डेप्टर्स क्रिएटर्स, तो डेप्टर्स क्रिएटर्स होंगे. ठीक है, तो उस अकाउंट को आप रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं. वहीं इम्पर्सनल पे आते हैं तो दो तरह के अकाउंट आते हैं. तो इम्पर्सनल में आते हैं तो एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है. रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच आर रिलेटेड टू ऑल एसेट्स. तो रियल अकाउंट मतलब रियल में जो हो. ठीक है, तो अभी इसका देखिए क्लासिफिकेशंस अलग से मैंने बताया है. पर्सनल अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, ये राम एंड कंपनी, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट एक्सेट्रा. इम्पर्सनल में देखिए, अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, ट्रेंट अकाउंट एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं. इम्पर्सनल अकाउंट को हम रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको. जो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू टेंजिबल आर इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेप्टर्स आर टर्म एंड रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट में डेप्टर्स को छोड़ के, ठीक है ना, चूंकि हम जब रियल अकाउंट में मैंने एसेट का नाम लिया था और एसेट अकाउंट, एसेट में डेप्टर्स इंक्लूड होता है, इसलिए यहां पे मैंने एक्सक्लूडिंग डेप्टर्स. क्यों, क्योंकि डेप्टर्स जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए डेप्टर्स को हम रियल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं. और रियल अकाउंट में क्या करते हैं, हम टेंजिबल एसेट्स को इन्वॉल्व करते हैं. टेंजिबल एसेट्स डिफिनेशन मैंने बताया था आपको कि टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच और सीन. ऐसे एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं. तो ऐसे कौन कौन से टेंजिबल एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है और कैश. एग्जांपल्स इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच और सीन. जिस एसेट्स को न तो हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं,
ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स, और वो एसेट्स हैं गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, रॉयल्टी, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आपके इनटैंजिबल एसेट्स में आती है। तो वो सारे जो मैंने बताया है, वो टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, तो किसी एसेट का पर्टिकुलर नेम है डेप्टर्स को छोड़ के, तो वो सारे आपके कौन से अकाउंट कहे जाएंगे, रियल अकाउंट कहे जाएंगे। प्लांट के नाम से अगर कोई अकाउंट है, प्लांट अकाउंट है, तो उसको रियल अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है, ठीक। डेप्टर्स अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो जो एसेट के नाम से जो अकाउंट रहेगा वो रियल अकाउंट होगा। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो इन सब को छोड़ के, अब मैंने पर्सनल बताया है, पर्सनल और रियल को छोड़ के बाकी जितने होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट है। मतलब आपके जितने एक्सपेंसेज होते हैं, सेल्स होते हैं, इनकम होता है, वो सारी चीज़ें आपके नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड होती हैं। जैसे एक्सपेंसेज हैं, लॉसेस है, गेंस है, रेवेन्यू है, ठीक है। ये सारे आपके एक्सपेंसेज में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट पेड है अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है नॉर्मल अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड या कमीशन पेड अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट है। तो इस तरह के ये जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, वो टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। जो रिसीवर होगा पर्सनल अकाउंट में, जैसे अगर हम कहें कि कहें कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम 10,000, अगर एक ट्रांजेक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये ट्रांजेक्शन है, तो इसकी, अब ये राम क्या है, पर्सनल अकाउंट हो गया। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि राम का एक नेम है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो राम, अगर को राम को पेड किया जा रहा है 10,000, तो लिखेंगे राम डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। कितना राम को पेड किया जा रहा है, 10,000। तो ध्यान दीजिए, कभी भी कोई अगर पर्सनल अकाउंट है और कोई भी अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसके सामने आप अकाउंट नहीं लिखते हैं। जैसे किसी के नाम से अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उस नाम के आगे आप अकाउंट नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कोई आर्टिफिशियल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल, तो उसके आगे भी नहीं लिखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे डेप्टर्स केटर्स है, तो उसके आगे भी नहीं लिखेंगे। तो क्योंकि ये डेप्टर्स केटर्स के कोई भी नेम हो, पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन का नेम हो, किसी पर्सन का नेम हो, उसके नाम से अगर अकाउंट बनता है तो उसके आगे हम अकाउंट मेंशन नहीं करते हैं। तो ये देखिए, राम को पेड किया जा रहा था, यानी कि राम 10,000 रिसीव करेगा, यानी कि जो राम रिसीव करेगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि पर्सनल अकाउंट में जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड गिवर, जो देगा वो क्रेडिट होगा, ठीक। रियल अकाउंट पे आते हैं, तो रियल अकाउंट पे व्हाट कम्स इन, ठीक। रियल अकाउंट में एसेट आते हैं, अगर एसेट परचेज किया जाता है तो डेबिट होगा, एसेट अगर परचेज किया जाता है तो डेबिट होगा, और एसेट सेल किया जा रहा है तो क्रेडिट होगा। व्हाट कम्स इन, अगर आ रहा है एसेट तो डेबिट होगा, व्हाट गोज आउट, अगर जा रहा है एसेट तो क्रेडिट होगा। ये होता है सिस्टम। नॉमिनल अकाउंट पे देखिए, नॉमिनल अकाउंट पे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, और जो भी इनकम होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ये आपके रूल्स ऑफ डेबिट, जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। तो इसको आप, इस फॉर्मेट को आप कॉपी पे बना लेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, द मॉडर्न अप्रोच क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज अकाउंट्स इन द 5 कैटेगरीज। अब जो हमारा जो मॉडर्न अकाउंटिंग है, वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम इसको 5 कैटेगरी में क्या करते हैं,
बांट देते हैं। तो जब फाइव कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे पहले एसेट अकाउंट आता है। तो एसेट अकाउंट में जितने भी आपके एसेट्स हैं वो एसेट आ जाएंगे। दूसरा है लायबिलिटीज अकाउंट, जो जो लायबिलिटीज हैं वो आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनता है, रेवेन्यू अकाउंट बनता है, एक्सपेंसेज अकाउंट बनता है। अब जो जो एक्सपेंसेज होंगे उनका अलग अलग अकाउंट बनेगा। रेवेन्यू है मतलब सेल्स अकाउंट है, अगर रेवेन्यू से इनकम जो अर्न हो रहा है सारे अकाउंट्स होंगे। कैपिटल अकाउंट जितना कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाएगा वो हो जाएगा। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आपके आ जाएंगे, अमाउंट ड्यू जो रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आएंगे, क्रेडिटर्स से जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और एसेट अकाउंट में मशीनरी, लैंड, फर्नीचर्स, कैश, जो भी अकाउंट्स होंगे वो क्या होंगे, एसेट अकाउंट में। अब इसका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एसेट अकाउंट होते हैं अगर वो इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, डेबिट होगा। एसेट अकाउंट अकाउंट टू बी डेबिटेड व्हेन एसेट इज इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है एसेट तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। जैसे हम कहें कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अगर परचेज कर रहे हैं तो आपका एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके पास फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो जब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या लिखेंगे इसकी जनरल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि फर्नीचर क्या हो रहा है, परचेज कर रहा है तो फर्नीचर एसेट इंक्रीज होगा, तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो वही चीजें यहां पर भी है, अकाउंट टू बी क्रिएटेड इफ एसेट इज डिक्रीज, यानी कि आप कैश परचेज कर रहे हैं तो आप कैश पेड कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज होगा और दूसरा एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा और जो डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा। यानी कि परचेज, अगर हम लिखें यहां पर परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5000, अगर ये ट्रांजेक्शन्स है तो अब देखिए आपके पास क्या है, एक फर्नीचर है और दूसरा कैश है, तो आपके पास फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी फर्नीचर आ रहा है तो एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और दूसरी तरफ कैश, कैश आप पेड कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो कैश भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है, दोनों एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो एक एसेट डिक्रीज हो रहा है और एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है यानी कि फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। यानी कि इसकी एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे और 5000 से इसकी क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। तो यह सिस्टम है एसेट्स में, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, जो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ये एसेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लायबिलिटीज पे आते हैं। एसेट्स का हो गया, अगर कोई एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। इसमें अब लायबिलिटी में आते हैं, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो अब कैसे उसको समझेंगे, तो उसको समझने का देखिए तरीका यह है, कि कोई ट्रांजेक्शन है, हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। आप क्रेडिट अगर परचेज करते हैं रुपीज 10,000 का, ठीक है, तो परचेज हो रहा है, तो परचेज हो रहा है तो स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है तो स्टॉक क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब राम देखिए कैश परचेज नहीं हो रहा, तो राम क्या होगा, टू राम, क्योंकि ये राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए ये अकाउंट इसके सामने नहीं मेंशन करेंगे। जैसे यहां पे अकाउंट मैंने लिखा है,
ये चीजें यहां पर नहीं लिखेंगे। कितने का हुआ है? 10,000 का। अब आप क्रेडिट परचेस किए तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो कौन सी लायबिलिटी? राम, राम क्रेडिटर्स हो गया, इसलिए राम क्या हो रहा है? क्रेडिट होगा, राम क्रेडिट हुआ है। अगर वहीं पे इस लायबिलिटी को आप पे कर रहे हैं तो ये लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी क्या हम लिखें? कैश पेड टू राम। ठीक। तो अगर राम से क्रेडिट परचेज किए थे, उधार परचेज किए थे, तो अगर राम को आप कैश पेड कर रहे हैं तो लिखेंगे राम डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब राम डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे 10,000। कैश पेड कर दिए। अब यहां पे लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी राम की थी, राम क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहां पर राम क्या हो गया? डेबिट हो गया। ठीक है। तो जब भी लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी, डिक्रीज लायबिलिटी तभी होगी कि जब हम लायबिलिटी पे करेंगे। ठीक है। तो राम डेबिट हो जाएगा और अगर इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। तो इंक्रीज कैसे होता है? कि जब हम अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एंट्री क्या होती है कि जब कहते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि आपने 1,00,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो 1,00,000 क्रेडिट हुआ। यानी कि कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यानी कि अगर इंक्रीज हो रहा है कैपिटल तो क्रेडिट होगा। वहीं पे अगर विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। लॉस अगर हो रहा है तो डेबिट होगा, अगर लॉस कम हो रहा है क्रेडिट होगा। ठीक है। लॉस यहां पे एक्सपेंसेस से मतलब है सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी डेबिट हुआ क्योंकि अब एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे वेजेज पेड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस है वेजेज, तो वेजेज डेबिट होगा, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।